हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ डोरेमोन टॉयज का वीडियो लेकर आ चुका हूं। और गाइस आप देख सकते हैं कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डोरेमोन टॉयज हैं और सारे के सारे डोरेमोन है गाइस, कोई भी बिल्कुल भी अलग नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं डोरेमोन की कैलकुलेटर वाली ज्योमेट्री बॉक्स है, डोरेमोन की बॉल है और हमारे पास डोरेमोन की फैमिली भी है। तो गाइस मैं पूरा वीडियो पूरा आपको एंड तक दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं सारी चीजों का आपको प्राइस भी बताऊंगा और मैंने कहां से खरीदा या क्या क्या खरीदा ये भी बताऊंगा ताकि आप लोग भी शॉप पर जाकर खरीद सकें। तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, शुरुआत कर देते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं डोरेमोन की पूरी फैमिली और एक चैलेंज भी दूंगा आपको, तो देखना गाइस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डोरेमोन। ये देखो डोरेमोन, मिनी डोरेमोन है। उसके बाद गाइस अब आपको जो चैलेंज में दे रहा हूं, ये चैलेंज दे रहा हूं, जितने भी मैं आपको कैरेक्टर दिखाऊंगा आपको उनका नाम मुझे कमेंट में बताना है। तो गाइस इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है, और उसके बाद गाइस इस कैरेक्टर का नाम बताओ, इसको तो सभी लोग जानते हैं। और गाइस ये है इसकी गर्लफ्रेंड, इसका नाम भी अगर आपको पता है तो ये भी बताना। और ये देखो गाइस ये एक बहुत ही शरारती लड़का होता है, इसका नाम भी बताओ। और लास्ट में जो सबसे खतरनाक है इसके अंदर, जो कि ये है, इसका नाम भी मुझे कमेंट में बताना। तो देखते हैं गाइस 1 2 3 4 5 इन पांच कैरेक्टर्स का नाम आपको पता है या नहीं, क्योंकि इसका तो सभी को पता है डोरेमोन, लेकिन ये जो पांच कैरेक्टर है इनका नाम किसी को पता है या नहीं मैं देखता हूं। जल्दी से कमेंट में लिख दो इनके नाम क्या है, देखते हैं कौन इनका नाम सही बता पाएगा। तो चलिए इनको रख देते हैं साइड में और देखते हैं आज हमारे पास क्या है आप सबके लिए। उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे पास है उड़ने वाला, सच्ची में उड़ने वाला डोरेमोन। ये देखो गाइस ये जो डोरेमोन है ना, ये सच में उड़ता है, ये डोरेमोन वाला इंडक्शन एयरक्राफ्ट है। चलो इसको निकाल कर मैं दिखा देता हूं, तो इसके बाद मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा। तो ये देखो वाव, कितना बढ़िया लग रहा है ना गाइस हमारा उड़ने वाला डोरेमोन। और आप देख रहे हो जैसे कार्टून में होता है डोरेमोन के सिर पे पंखड़ी लगी होती है, वैसे ही इसके सिर पे भी लगी हुई है और ये सच में उड़ता है। ये मैं उड़ा के भी दिखाऊंगा आपको अभी। तो इसके साथ गाइस हमें क्या मिलता है, हमें इसके साथ एक चार्जिंग केबल मिलती है जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो, यानी कि इसमें आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, इसी चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हो। बस इसे फोन के चार्जर में लगाना है और ये चार्ज हो जाएगा। तो ये कैसा लगा कमेंट में बताना, चलिए मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूं। तो ये देखो ये है इसका चार्जिंग पॉइंट और ये है इसका ऑन ऑफ का बटन, और यहां पर देखो कुछ इंडक्शन जो सेंसर यहां पर लगे हुए हैं। तो गाइस इसको ऑन करते हैं और ये उड़ेगा कैसे मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो जैसे ही ऑन करूंगा ये उड़ने लगेगा, और ये देखो उड़ने लगा है, मेरे हाथ से छूट छूट के जा रहा है गाइस, मैं इसको पकड़ पकड़ के ला रहा हूं, ये देखो उड़ जा रहा है अपने आप। तो गाइस अब मैं इसको ना आपको वैसे उड़ा के दिखाता हूं रूम में, वेट कीजिए। इस डोरेमोन को उड़ा करके देख लेते हैं, देखते हैं कैसे ये उड़ता है। तो इसको देखो ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन कर लेते हैं। अब ये देखो खुद ही हवा में उड़ने लगेगा, देखो छोड़ते हैं इसको गाइस, ये देखो हवा में उड़ने लगा। ये देखो जैसे ही हाथ, ये ना अपने आप लैंड ही नहीं होता है कहीं पर भी, जब भी ये लैंड होने वाला होगा इसके नीचे कोई भी चीज आएगी तो ये अपने आप ही अपने आप को उड़ा लेता है गाइस। ये देखो अब ये फिर से उड़ेगा गाइस, तो इसको दोबारा ऑन ऑफ करना पड़ता है अगर ये गिर जाता है तो। ये देखो ऐसे ऑन करेंगे फिर से उड़ने लगेगा, ये देखो छोड़ेंगे ये अपने आप ऊपर जाता है, हाथ नीचे लेके जाएंगे ना फिर से अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो क्योंकि इसके अंदर जो है सेंसर्स गाइस लगे होते हैं। तो ये उड़ने वाला डोरेमोन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, मेरा तो ये गाइस फेवरेट है, तो मैं तो इसके साथ बहुत ज्यादा खेलने वाला हूं। तो गाइज आपने देखा कितने मस्त तरीके से हमारा डोरेमोन हवा में उड़ रहा था, कितना मजा है ना इसको उड़ते हुए देखने में। और गाइज मैं आपको इसका प्राइस बता दूं, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ दुकान से, अंकल की दुकान से मैंने इसको 200 रुपीज में खरीदा है, यानी कि 200 रुपए में मुझे मिल गया था। अगर आप अमेजोन वगैरह से खरीदेंगे तो 250-300 या 450 रुपए के आसपास का आपको ये मिलेगा। तो इसको रख देते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास आप सबके लिए। इसके बाद गाइस हमारे पास है आप सबके लिए डोरेमोन वाली पिचकारी। जी हाँ दोस्तों, ये डोरेमोन वाली पिचकारी है। ये देखो डोरेमोन का कितना बड़ा फेस है, ये देखो मेरे हाथों से अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा फेस है। और ये देखो ये गन के शेप में ये बनी हुई है, यहां से हम इसके अंदर पानी फिल करेंगे, वाटर इसके अंदर से जाएगा यहां से, और ये जो बटन है इसको प्रेस करने से जो है इसके माउथ में से जो है पानी निकलेगा, यानी कि पिचकारी निकलेगी। तो चलिए इसमें पानी भर लेते हैं और फिर हम इसको चलाकर देखते हैं। तो गाइज अब हम इसमें पानी भर लेते हैं, ये देखो ये हमने पानी भर लिया है, इसमें पानी भर रहा है धीरे 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 धीरे, देख रहे हो आप, दिख ही रहा होगा आपको। तो चलिए इतना ही पानी भर लेते हैं फिर मैं आपको इसको चला करके दिखाता हूँ। इसके अंदर ऊपर तक पानी भर चुका है, इसको बंद कर लेते हैं कैप को, ये बंद हो गया। अब हम इसको चलाएंगे इसके इस बटन से। तो ये देखो गाइज, ये देखो गाइज कैसे इसमें से पानी निकल रहा है, ये देखो इसको आप जैसे दबाएंगे ना ऐसे दबाने से इसमें से पानी निकलता है, बहुत दूर तक जाता है गाइज। ये देखो, ये देखो वहाँ दीवार गीली हो गई है, देखो गाइस कितनी दूर तक जा रहा है ना इसका पानी। ये देखो दीवार हमने गीली कर दी है वहाँ पे, ये देखो कैसे दीवार गीली हो रही है, कितना मस्त चल रही है ना गाइस ये पिचकारी डोरेमोन वाली। ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, इसका फेस तो सच में बहुत ही क्यूट है।
गाइज, इस डोरेमोन पिचकारी को चलाने में मुझे तो बहुत मजा आया, आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा। चलिए इसको रख देते हैं। और इसका मैं प्राइस बता दूं, इसको मैंने 100 रुपीज में खरीदा था, बहुत आराम से मुझे 100 रुपए में मिल गई थी, तो इसको रख देते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास है डोरेमोन वाला मल्टी कलर पेन। ये देखो इसमें कितने सारे कलर है, ये देखो इधर डोरेमोन बना हुआ है और यहाँ पर भी बहुत सारे क्यूट क्यूट डोरेमोन प्रिंटेड, और पूरा पेन ब्लू कलर का है डोरेमोन की थीम के ऊपर। और इसके अंदर कितने कलर मिलते हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 कलर हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ब्लैक है इसमें, ब्लू है, पर्पल है, और येलो है, ग्रीन है, और पिंक है। ये देखो कुछ इस तरीके से इसकी निब बाहर आती है, और जो भी आपको निब निकालनी है, इसकी टिप बाहर निकालनी है, वो आप इस तरीके से करके जो है निकाल सकते हैं। तो ये पेन कैसा लगा जरूर बताना। इसका प्राइस है गाइज 40 रुपीज में मैंने ये पेन जो है खरीदा था। इसके बाद गाइज हमारे पास है बहुत ही बड़ी जंबो साइज की ज्योमेट्री बॉक्स। ये देखो कितनी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है डोरेमोन की। और गाइज आप देख सकते हो इसके ऊपर कैलकुलेटर भी दिया है छोटे साइज का। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है गाइज, इसकी हेल्प से आप जो भी आपके मैथ के क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आराम से, क्लासरूम में बैठ के या फिर होमवर्क करते हुए। तो एक कैलकुलेटर बहुत काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अब मैं आपको दिखाऊं इसमें कुछ बटन दिए हैं, 1 2 3 4। अब ये गाइस ये मैजिक बटन से मैं आपको बता दूं कैसे, चलिए बटन को दबाते हैं। ये बटन दबाते हैं तो यहां से शार्पनर बाहर आ जाता है। ये देखो इसमें शार्पनर लगा हुआ है, यहां से आप जो है शार्प कर सकते हो पेंसिल को, और बाद में जब कचरा निकालना तो ऐसे बटन दबा के कचरा निकाल सकते हो, और आप चाहो तो यहां पर चीजें भी छुपा सकते हो। अब ये वाला बटन दबाएंगे तो यहां से इरेजर रखने के लिए एक स्पेस बाहर आ जाता है। अब हम ये वाला बटन दबाएंगे तो ये बटन दबाने से यहां पर भी आप बहुत कुछ छुपा के रख सकते हो, और ये दबाओगे तो यहां पर भी आप बहुत कुछ छुपा करके रख सकते हो बहुत ही आराम से। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं गाइज। ये देखो यही नहीं, यहां पर आप पेन कलर पेंसिल वगैरह यहां पर आप लगाकर इसमें लगाकर रख सकते हो, और यहां पर अपने जो है वैक्स क्रेयॉन्स वगैरह होते हैं या फिर ऑयल पेस्टल्स होते हैं वो यहां पर रख सकते हो आप लोग। और इसमें यही नहीं, यहां पर एक सीक्रेट एरिया और है, इसको स्लाइड करोगे ना तो यहां से सामान रखने के लिए एक जगह और मिल जाती है आपको। और यहां पर एक बटन हो रहा है, इसको दबाएंगे ना तो यहां से भी एक सीक्रेट एरिया बाहर आ जाता है। यहां पर अपने सीक्रेट पेन पेंसिल जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते वो यहां पर आप रख सकते हो। तो कितने सारे सीक्रेट स्पेस है ना गाइस, इसको जंबो ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं और मैजिकल ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं। तो देखो गाइस कुछ इस तरीके से सारी चीजें बंद भी हो जाती है बहुत ही आराम से। ये देखो सब चीजों को आप बिल्कुल इजिली स्लाइड करके बंद भी कर सकते हो। और यही नहीं, इसमें और भी चीजें हैं। तो ये देखो गाइस यहां से ओपन करेंगे तो यहां पर भी आपको बहुत बड़ा स्पेस सामान रखने के लिए मिल जाता है। और यहां पर अपना नेम क्लास भी लिख सकते हो, यानी कि आपकी कोई चोरी भी कर लेगा तो आप पता लगा सकते हो कि किसने आपकी ज्योमेट्री बॉक्स जो है चोरी की है। तो ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसका प्राइस है 300 रुपीज, चलिए इसको रख देते हैं। इसके बाद गाइज हमारे पास है डोरेमोन की 2 मिनी बॉल्स। ये देखो ये स्क्वीज बॉल भी आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि इनको आप इजीली स्क्वीज कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट होती है, और अगर आप किसी को ऐसे फेंक के भी मारोगे तो उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी लगेगी। इससे आप बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हो। ये देखो कितने क्यूट क्यूट डोरेमोन यहाँ पर बने हुए हैं, एक तो उड़ रहा है और एक फिशिंग कर रहा है। देखो कितना क्यूट लग रहा है गाइस, ये देखो फिश भी पकड़ी हुई है इसने। तो देखो इस कितना क्यूट है ना डोरेमोन बॉल, इनको मैंने 10-10 रुपए में जो है खरीदा है। आपके पास भी डोरेमोन बॉल हो तो कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखो बहुत ही क्यूट डायरी और पेन, डोरेमोन वाला डायरी पेन। ये देखो आई एम ए कैट लाइस रोबोट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो गाइस यहाँ पर डोरेमोन है और यहाँ पर डोरेमोन का पेन है। तो चलिए इसको निकाल कर देख लेते हैं, और इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये बहुत ही क्यूट लगने वाली है दोस्तों। ये देखो ये रहा हमारा डोरेमोन का मिनी पेन, और ये रही हमारे डोरेमोन की मिनी डायरी। ये देखो कितना क्यूट लग रही है। इसको ऐसे ओपन करेंगे हम तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं गाइस। ये देखो इसके अंदर अपने सीक्रेट नोट्स, आप अपने होमवर्क वगैरह या जो चाहे आप इसके अंदर लिख सकते हो। इसके अंदर ये देखो पॉम वगैरह भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब मैं आपको ये पेन चला के दिखाऊं। ये देखो ये मिनी पेन चलता भी है गाइज। ये देखो कितना क्यूट चल रहा है ना गाइज ये पेन। कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ये मिनी पेन बहुत ही क्यूट है, और इस मिनी पेन के ऊपर भी डोरेमोन प्रिंटेड है। तो ये कैसा लगा आपको जरूर बताना। इसका प्राइस बताऊं मैं आपको गाइज, ये डायरी और पेन मैंने 50 रुपीज में खरीदा था। चलिए इसको रख देते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। इसके बाद गाइस हमारे पास है डोरेमोन की एक बहुत ही प्यारी पेंसिल। ये देखो आप कहोगे कैसी पेंसिल है गाइस, ये डोरेमोन की अनशार्पनेबल पेंसिल है, यानी कि इस पेंसिल को आपको शार्प करने की जरूरत ही नहीं है। वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखो पहले तो क्यूट डोरेमोन यहां पर बना हुआ है, और यहां पर देखो डिंग डोंग लिखा हुआ, और यहां पर डोरेमोन प्रिंटेड है। कितनी क्यूट पेंसिल है ना। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये पेंसिल हमने ओपन कर ली। देखो इसकी लिड देख रहे हो आप, एक पेंसिल की अगर ये घिस जाए ना गाइस तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, और निकालने के बाद आप यहां से जब डालोगे ना तो यहां से न्यू लीड जो है बाहर आ जाती है। देखो गाइस आपने देखा, मैंने यहां से पुश किया तो यहां से न्यू लीड बाहर आ गया। अब ये भी घिस जाए तो आपको इसको भी ऐसे निकाल लेना है।
और यहां से इसको ऐसे लगा के आपको ऐसे पुश करना है, ऐसे पुश करने से यहां से न्यू लीड बाहर आ जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारे लीड दी गई हैं जो कि काफी लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हो, और बाद में आप इसको जब नहीं यूज कर रहा तो ऐसे करके आप रख सकते हो। तो इसको बोलते हैं अनशार्पनेबल पेंसिल, और इसको गाइज मैंने 20 रुपीज में डोरेमोन पेंसिल को खरीदा है। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे पास है डोरेमोन का कीचेन। ये देखो इस बहुत ही प्यारा कीचेन है, आप इसे अपने स्कूल बैग, कॉलेज बैग, स्कूटर की चाबी में, घर की चाबियों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कहना गाइस कितना क्यूट डोरेमोन कीचेन, और ये हमने जो है 30 रुपीज में खरीदा है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है जंप रोप, ये देखो डोरेमोन वाली जंप रोप, यानी कि आप जो डोरेमोन वाले रस्सा भी है हमारे पास, जिससे कि आप जंप कर सकते हो और खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो यहाँ डोरेमोन जंप रोप यहाँ लिखा हुआ है, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही क्यूट है गाइस, और इससे खेलने में आपको बहुत मजा आएगा। चलिए देख लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ये देखो हमने निकाल लिया, ये हो गया खाली, और ये रहा हमारा डोरेमोन का बहुत ही प्यारा जंप रोप। ये देखो कितना क्यूट है ना गाइज, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसके साथ तो जंप करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, बस आपको यहां से इसको खोलना है और ये पूरा खुल के तैयार हो जाएगा जंप करने के लिए। इसका मैं आपको प्राइस बता दूं, इसको मैंने 100 रुपीज में खरीदा था ये जंप रोप, हमारे बगल वाली दुकान में ये मिल गया था गाइज। मैं दिल्ली में रहता हूं तो हमारे यहां पर ये चीजें आराम से मिल जाती है। क्या आपके यहां पर भी आपके आराम से मिल जाती है? अगर मिल जाती है तो जरूर बताना, और आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो अपनी सिटी का नाम भी मुझे जरूर बताना। इसको रख देते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है हमारे पास डोरेमोन की 3-3 अलग अलग वॉच। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूं। पहली वॉच तो ये है गाइज हमारे पास, ये देखो। उसके बाद गाइज सेकंड वॉच ये है, और थर्ड वॉच मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी थर्ड वॉच है। और तीनों ही वॉच एक दूसरे से डिफरेंट है और बहुत ही जबरदस्त है। चलिए एक एक करके मैं आपको तीनों वॉच दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मिनी वाली सबसे छोटी वाली वॉच दिखाता हूं। तो ये देखो गाइज कुछ इस तरीके से वॉच आते हैं, यहाँ पर डोरेमोन का फेस बना हुआ है। तो ये देखो पूरे के आगे पीछे डोरेमोन प्रिंटेड है, तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखो हमने अनबॉक्स कर लिया है, और आप देखेंगे तो ये डोरेमोन बहुत ही क्यूट लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज, इसको आप कैसे पहनोगे? तो इसको आप सिंपली ऐसे बंद कर दो, ये डोरेमोन का जो टाइम देखने वाला एरिया है वो अंदर चला गया है, और अपनी इसको रिस्ट पे पहन लो, और जब भी आपको टाइम देखना हो बस आपको ऐसे करना, टाइम देखने के लिए वॉच बाहर आ जाएगी। ये देखो आपको सिंपली प्रेस करना है, प्रेस करने से अंदर चली जाएगी, प्रेस करने से ही बाहर भी आ जाएगी। तो इस तरीके से डोरेमोन वॉच काम करती है। अभी जो है वॉच का जो है बैटरीज जो है लो हो चुकी है, बैटरीज डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से बंद पड़ी है। नहीं तो अभी इसकी बैटरीज मैं जो है शॉप से, वॉच वाली शॉप से जाकर के लगवा लूंगा, तो ये एकदम से फिर से ऑन हो जाएगी। ये वाली डोरेमोन वॉच मैंने 100 रुपीज में खरीदी है दोस्तों, इसको रख देते हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वॉच की तरफ। ये देखो ये हमारी अगली वॉच, ये भी डोरेमोन वॉच है। इसके अंदर 6 प्रोजेक्शन फ्लिप फंक्शन है इसके अंदर, तो देख लेते हैं कैसे फ्लिप फंक्शन है, कैसे इसके अंदर जो फीचर्स है वो देख लेते हैं। तो वॉच को हम बाहर निकाल लेते हैं गाइज, ये देखो कुछ इस तरीके से जो है हम वॉच को बाहर निकाल लेते हैं। हमारी वॉच आ गई है बाहर, तो इसको रख देते हैं, बाकी का सामान जो खाली बेकार का है। तो ये हमारी मेन वॉच आ गई हमारे सामने। अब इसका टाइम कैसे देखेंगे गाइज, तो ऐसे ओपन करेंगे और यहां आप देखेंगे तो यहां पर इसका टाइम जो है आ रहा होगा। ये देखो गाइज इसकी भी बैटरी जो है लो हो चुकी है रखे रखे, तो मैं इसकी बैटरी बदलवा लूंगा। इसकी बैटरी मात्र 10 रुपए में जो है आराम से बदल जाती है। अगर आपको भी ऐसी वॉच मिले ना जिसकी बैटरी ऑलरेडी डाउन है, तो उसकी बैटरीज आप जो है 10 रुपीज में बदलवा सकते हो। लेकिन इसमें एक बैटरी और दी जाती है, वो अलग से दी जाती है इसके प्रोजेक्टर के लिए। तो इसको जब हम इसको स्ट्रिप को हटा लेंगे तो इसकी बैटरी जो है एक्टिवेट हो चुकी है। अब इसमें टाइम तो नहीं आएगा, लेकिन इसके टाइम के लिए अलग बैटरी चेंज होगी। तो अब आपको क्या करना है गाइज, ये है इसका प्रोजेक्शन लाइट, और ये है गाइज इसका प्रोजेक्शन बटन, और यहां से मैं बदल, यहां से घुमा के, इस गियर को घुमा के आप इमेजेस बदल सकते हो। तो गाइज इसको ऑन करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे बहुत बहुत अलग अलग इमेजेस आएंगी। चलिए मैं लाइट ऑफ करके प्रॉपर इसके बारे में आपको दिखा देता हूं। तो गाइज हमने लाइट्स ऑफ कर दी है, अब इसमें हल्की हल्की लाइट है रूम में। तो ये बटन है, इसको हम दबाएंगे, तो इसको दबाने से यहां पर आप देख रहे हो इमेजेस आने लगी। ये देखो यहां से इस एरिया में से इमेजेस निकलते हैं गाइज, इस एरिया में से। देखो ये जो एरिया है ना, इस एरिया में से इमेजेस निकलती है। तो देखो ये बटन दबाया, इमेजेस निकलने लगी। अब यहां पर एक जो गियर मैंने आपको बताया था, इसको घुमाएंगे तो इमेजेस भी चेंज होंगी। तो टोटल इसके अंदर हमें 6 इमेजेस देखने के लिए मिल जाती है। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया इमेजेस है ना गाइज इसके अंदर 6। तो ये कैसी लगी आपको प्रोजेक्टर वॉच, कमेंट में जरूर बताना। ये वॉच बहुत ही ज्यादा क्यूट है गाइज, इसका प्राइस मैं आपको अभी बता देता हूं दोस्तों। इस प्रोजेक्टर वॉच का प्राइस है 150 रुपीज। इस वॉच को 150 रुपए में मैंने खरीदा है। और इसके बाद गाइज लास्ट वाली अपनी प्रोजेक्टर वॉच भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये भी एक प्रोजेक्टर वॉच है, बट इसके अंदर इमेजेस थोड़ी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये देखो गाइज इसके अंदर टोटल आपको मिलेंगी 24 इमेजेस। ये सारी इमेजेस देख रहे हैं, सारी इमेजेस में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले इसकी बैटरी को भी एक्टिवेट कर लेते हैं।
तो ये स्ट्रिप हटा लेते हैं यहां से, हमने हटा ली है। अब इसकी बैटरी एक्टिवेट हो चुकी है और गाइज इसका भी टाइम नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी भी बैटरीज जो है डाउन हो चुकी है यार। सारी वॉच की बैटरी डाउन हो गई, कोई बात नहीं, इसमें बैटरीज में लगवा लूंगा। अब इसका प्रोजेक्टर ऑन हो गया होगा गाइज, ये देखो गाइज इसका प्रोजेक्टर यस ऑन हो चुका है। चलिए इसका मैं आपको इसकी सारी इमेजेस दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रही हमारी वॉच। अब इसमें यहां पर आपको बटन दिख रहा होगा, ये बटन हम दबाएंगे ना तो इसमें से इमेजेस निकलेंगी, वो भी यहां से। तो ये बटन दबाते हैं और देखते हैं कैसी इमेजेस निकलती है। देखो गाइज ये है जियान, ये देखो ये कौन है, ये देखो गाइज कौन है, ये देखो कितनी सारी। इसमें टोटल आपको 24 इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी। ये देखो जितनी बार भी आप बटन दबाएंगे अलग अलग इमेजेस इसमें से वॉच में से आएगी। आप लेजर लाइट की तरह इसे घुमा भी सकते हो। ये देखो कितनी बढ़िया वॉच है ना गाइज, टोटल इसके अंदर 24 इमेजेस आपको देखने के लिए मिल जाती है। और गाइज इस वॉच का प्राइस है 200 रुपीज। ये भी बहुत ही औसम वॉच है। बस इन तीनों वॉचेस की बैटरी डाउन हो गई जिसकी वजह से हम टाइम नहीं देख पा रहे थे, तो तीनों का जो बैटरी सेल है वो 10-10 रुपीज में जो है मैं चेंज करा लूंगा। इसके बाद गाइज हमारे पास है डोरेमोन की बहुत ही क्यूट पेंसिल बॉक्स। ये देखो यहाँ पर डोरेमोन बना हुआ है और यहाँ पर इसका नाम क्या है कमेंट में जरूर बताना, मैंने आपको पहले भी पूछा था। और ये देखो इस बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये बटन है यहाँ पर, ये बटन दबाएंगे तो यहाँ से एक एरिया ओपन हो जाता है और यहाँ से जो आप दो दो पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और जब कचरा इसमें भर जाए तो ऐसे ओपन करके कचरा आप निकाल करके फेंक भी सकते हैं। तो इसमें बहुत ही प्यारा फीचर दिया गया है। और हम इसको यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक टेबल लैंप भी दिया गया है जिसको आप ऐसे ऊपर करके ऑन कर सकते हैं। ये देखो ऑन हो गया। अब इसको आप जैसे चाहे 360 मोड़ भी सकते हैं। ये देखो गाइज ये कुछ इस तरीके से जो है काम करता है। आप लाइट को ऊपर भी कर सकते हो, लाइट को नीचे भी कर सकते हो। इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हो और पीछे भी आपको यहाँ पर बहुत सारा सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। और यहाँ पे 1 से 9 तक टेबल भी आपको लिखी हुई मिल जाती है। इस ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस है गाइज 100 रुपीज। इसके बाद गाइज हमारे पास ये देखो एक डोरेमोन की बहुत ही बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स है। ये देखो ट्रांसपेरेंट लुक है, यहाँ पर इसके अंदर क्या रखा हुआ है वो दिख रहा है। यहाँ पर भी डोरेमोन प्रिंटेड है और यहाँ पर भी। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी जो चीजें दिख रही है वो इसी के अंदर आती है गाइज, जैसे कि ये शार्पनर आता है डोरेमोन का क्यूट सा ब्लू कलर का। और ये देखो गाइज एक इरेजर भी आती है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रिंसेस वाली। और यहाँ पर एक मिक्की माउस वाली जो पेंसिल भी आती है इसके अंदर, ये देखो। और एक प्रिंसेस वाला यानी कि बार्बी वाला इसके अंदर स्केल भी आता है 15 सेंटीमीटर का, पिंक कलर का वो भी। और यहां पर इसको हटाएंगे तो इसके नीचे आपको जगह मिल जाती है सामान रखने की और 1 से 9 तक टेबल भी मिल जाती है। और इसको हटाएंगे ना इसके नीचे भी आपको बहुत बड़ा स्पेस जो है देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आप अपनी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। और इस ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस मैं आपको बता दूं, ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स जो है मैंने 80 रुपीज में खरीदा है, पूरा मेटल का बना हुआ है। इसके बाद गाइज हमारे पास है डोरेमोन का एक बहुत ही क्यूट सा स्कूटर। ये देखो डोरेमोन स्कूटर के ऊपर बैठा हुआ है और ये देखो क्यूट तो है लिखा है यहाँ पर। और देखो इसके व्हील्स है, घूमते भी हैं। तो इसको स्कूटर को कैसे चलाएंगे गाइज, तो इसको सिंपली ऐसे इसकी नेक को ऐसे नीचे करना है और जैसे छोड़ेंगे ये भागने लगती है। तो सिंपली आपको ऐसे रखना है, इसकी नेक को नीचे प्रेस करना है और छोड़ना है, ये आगे भाग जाएगा। देखा आपने गाइज कैसे भाग गया था, इसकी नेक को दोबारा प्रेस करते हैं ऐसे और छोड़ते हैं, ये देखो खुद ही जाके एकदम भाग जाता है। और जैसे अगर इसको आप जमीन पर चलाएंगे तो काफी दूर तक ये चला जाएगा। इसके बाद गाइज ये देखो हमारे पास है डोरेमोन का एक बहुत ही बढ़िया व्हाइट बोर्ड और इसको ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं गाइज। इसको ऐसे ऐसे ओपन करेंगे ना, ये देखो गाइज यहाँ पर आप मार्कर से लिख भी सकते हो। ये देखो व्हाइट बोर्ड दिया गया है और ये बुक इसके अंदर बुक रख के भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर बुक सेट हो जाएगी आपके इसके अंदर। इसको ऐसे ओपन करके यहाँ पर आप बुक ऐसे लगा करके स्टडी भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारा सामान भी रख सकते हो। ये कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। इसका प्राइस है गाइज 150 रुपीज। और इसके बाद गाइज हमारे पास है लास्ट में नहीं गाइज, दो चीजें और मैं आपको दिखा दूं। ये देखो एक डोरेमोन का शार्पनर है, ये 10 रुपीज का मैंने खरीदा था। यहां से पेंसिल डाल के शार्प करेंगे और बाद में ऐसे ओपन करके कचरा फेंक देंगे। और इसके बाद डोरेमोन के एक और अनशार्पनेबल पेंसिल है गाइज हमारे पास, ये देखो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई दी थी। इसका प्राइस है 20 रुपीज। और देखो गाइज मैंने आपको बताई दिया था जैसे जैसे ये लिड घिस जाए यहां से निकाल के यहां डालना है और यहां से न्यू लिड बाहर आ जाएगी। तो ये 20 रुपीज में बहुत ही प्यारी पेंसिल है। और लास्ट में गाइज हमारे पास है आप सबके लिए डोरेमोन का एक बहुत ही बढ़िया स्टेशनरी सेट, मैं आपको ये भी अनबॉक्स करके दिखा देता हूं। तो देखो इसको कुछ इस तरीके से अनबॉक्स करेंगे हम लोग। ये देखो हमने कर लिया है और अब हम इसको इधर से ओपन करेंगे तो इसके अंदर देखो सारी स्टेशनरी आइटम आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इसके अंदर गाइज हमें मिलते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर हमें क्रेयॉन्स मिलते हैं, वैक्स क्रेयॉन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं। तो ये देखो ये रहे हमारे वैक्स क्रेयॉन्स। वैक्स क्रेयॉन्स तो गाइज सभी को पसंद होते हैं, कलरिंग करने के काम आते हैं। और इसके बाद गाइज हमें इसके अंदर मिलता है एक बहुत ही प्यारा डोरेमोन का इरेजर ब्लू कलर का, और डोरेमोन का एक शार्पनर मिलता है वो भी हमें ब्लू कलर का ही देखने के लिए मिल जाता है गाइज। ये देखो कितना क्यूट है ना ये।
और इसके बाद गाइस हमें डोरेमोन की दो पेंसिल्स इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है, बहुत ही प्यारी प्यारी। और इसके बाद गाइस हमें इसके अंदर डोरेमोन का एक बहुत ही बढ़िया स्केल भी देखने के लिए मिल जाता है 15 सेंटीमीटर का, ब्लू कलर का वो भी। और लास्ट में गाइस हमें इसके अंदर डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही क्यूट लगती है देखने में। तो इसको ऐसे ओपन करके आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। तो गाइस ये देखो, और इसमें पीछे 1 से 9 तक टेबल भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और A to Z भी लिखा हुआ है। सो गाइस हमने आपको सारी की सारी डोरेमोन की स्टेशनरीज दिखा दिया, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं मजा आया तो डिसलाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा डोरेमोन टॉयज पसंद आए, और अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट में जरूर लिखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस हम हमेशा ही हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। बाय बाय।